पुलिस अक्सर अपने कारनामे करके सवालों के घेरे में रहती है और हर अपने किए कारनामे उत्ते बाद पर्दा पाती दिखाई देती है। अजिहा मामला जिला गुरदासपुर के बटाला के कानवान रोड स्थित चौंकी तो सामने आया है, जिथे एक प्रवासी मजदूर के वालों अपने भरा राकेश कुमार उपर चौंकी में शिकायत दर्ज करवाई गई। इस तो बाद पुलिस उसको फड़ के चौंकी ले आई और चौंकी में ड्यूटी कर रहे होमगार्ड लखवीर चंद वालों शराबी हालत के प्रवासी मजदूर राकेश कुमार को थप्पड़ मारे जाते हैं, जिस नाल वह बेहोश हो जाता है और होमगार्ड चौंकी में भजन की कोशिश करता है, पर परिवारक मैंबर उस होमगार्ड को फड़ लेंगे ने। मौके पर मौजूद चौंकी इंचार्ज के वालों प्रवासी को समझा के सिविल अस्पताल बटाला विखे इलाज लिए भेजा जाता है, उसके इलाज उत्ते खर्च पैसे भी देने का भरोसा दिता जाता है। परिवारक मैंबर ने दसा कि आपस में दोवें भरावान का झगड़ा है, जिसके चलने एक भरा के वालों शिकायत दी जाती है, जिसके चलने पुलिस राकेश कुमार को साढ़े मना करने उत्ते भी लै जाती है और असं भी नाल आते हैं। लखवीर चंद पुलिस कर्मचारी जो कि शराबी हालात के उस वालों पुलिस चौंकी में थप्पड़ मारे जाते हैं, जिसके नाल वह बेहोश हो जाता है। असी पुलिस कर्मचारी ने दसा भी कि इसके सिर का थोड़ा समा पहला ऑपरेशन होया है सिर उत्ते ना मारना, पर पुलिस ने एक भी नहीं सुनी और थप्पड़ बजन के बाद राकेश कुमार पुलिस चौंकी में ही बेहोश हो जाता है। असी पुलिस प्रशासन के कोलों इंसाफ सर, ये मेरा भाई है और मैं इसके साथ था, तो इसने भाई भाई में आपस में झगड़ा किए और उसके बाद चौकी एक भाई चला गया चौकी में, उसको पुलिस वाले को रिपोर्ट लिखाने वो गया वहाँ पे, तो इसको ये पुलिस वाला आया घर पे, उसके बाद इसको ले गए। ले जाने के बाद इसने किया क्या कि जाते ही इसने पुलिस वाले ने चपेट मार दिया इसको दो तीन, और इसको बताया भी था पुलिस वाले को कि इसके सर पे चोट लगा है कि सर पे ना मारिएगा, सर छड़ा के जहाँ मर्जी मार लिए, तो उसने जाते ही सर पे दो तीन चपेट मार दिए और शराब में पूरा रह गया था और उसी टाइम बेहोश हो गया, पुलिस वाला शराब में रह जाता और ये भाई मेरा उसको मारते ही चपेट ये बेहोश हो गया। ऐसा लगता हूँ तो ये आपस में झगड़ा कर रहे थे, गला गलौज कर रहे थे, वो मेरे ये दोनों भरा भाई लगता है, वो रिश्तेदारी में भाई लगते हैं, तो वो जाकर कंप्लेन कर रही है पुलिस वाले को बुला कर ले, पुलिस वाले आए, हम लोग पुलिस वाले को बोले कि पाजी हम सवेरे लेकर आ जाएंगे लड़के को, जब कहेंगे सवेरे मैं लेकर आ जाऊँगा आप इस समय जाइए, इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि दो महीने पहले इसका ब्रेन का ऑपरेशन होगा, वो मानिया नहीं, इन्हों ले गया नाल हम भी गए, मैं उन्होंने पुलिस वाले नू बोला कि सर छोड़ के जिथे मर्जी मारो, लेकिन वो शराब पिया था, वो शराब में रजे ही वो चपेट मार दी उन्होंने सर पे, दो तीन चपेटा लगे मारिया उन्होंने, उसका वो बेहोश हो गया। हाँ जी हाँ जी, मैंने बताया उसके बावजूद भी उसने उससे, हाँ जी वो रजिया ही, वो समझ में नहीं पाया, हाँ जी वो बच गया मार के पचने लगा, फिर हम लोग पकड़ के लेकर आया सिंबल चौक, हाँ जी सिंबल चौक। बारे जानकारी देंदे सिविल अस्पताल बटाला के डॉक्टर ने दसा कि 4 महीने पहला एक्सीडेंट के कारण इसके सिर सट लगी थी, जिसका मेजर ऑपरेशन अमृतसर में होया सी, अते हुण किसी भी तरह की गल करन दे हालात दे विच नहीं है, अते इसका इलाज चल रहा है। एक प्रवासी मजदूर देखने तो लगता है, वह नाम है राकेश कुमार, फादर का नाम है कन्हैया कानोवान रोड का है, उम्र तकरीबन 29 साल है, उन्होंने संबंधित परिवारक मैंबर ने दाखिल कराया, जो कि उन्होंने वालों दसाया जा रहा है कि अलैज्ड हिस्ट्री ऑफ असॉल्ट, तो असी एज पर अकॉर्डिंग टू रूल और एम एल आर असी कर दी है, तो उन्होंने असी एडमिट कर दिया है, बंदी जो हैगी है इनिशियल ट्रीटमेंट शुरू करके, तो उन्होंने पेशेंट को एडमिट करके असी सर्जिकल वार्ड अपने हॉस्पिटल बटाला एडमिट कर, जिसका ऑपरेट होया इस वे जी इस वे मौजूदा फ्रैश इंजरी वो एक ही है, जो राइट साइड ऑफ फेस आ प्लस वो हैड से है, फोरहेड फ्रंट एक्सपीरियर से, तो जो पुरानी सट दस रहे ने वो लगभग 30 महीने इस साल, मतलब कोई 4 मार्च की आ, 4 मार्च 2021 की है, तो जो उन्होंने को रिकॉर्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली वो करनियोटमी हुई हुई है अमृतसर। इस संबंधी जानकारी देने पुलिस अधिकारी ने दसा कि लखवीर चंद होमगार्ड के वालों जाने अणजाने के राकेश कुमार प्रवासी मजदूर को थप्पड़ वज गया सी, प्रवासी मजदूर को इंसाफ दिता जाएगा, तो बनती कार्रवाई करके अमल में लियांदी जाएगी। मैं तो उदो हाजिर नहीं सी, मैं बाद जो बनती कार्रवाई की जाएगी, जेड़ा उन्हें जाए जो गलती वो होगी तो वो इंसाफ दवाया जाएगा तुम, वो पी एच जी का कोई पेंट है, वो थोड़ा जहा
उन्हें मारी है चंड, तो वह नाम पी एच जी है, तो लखबीर चंद है वह नाम। पर नहीं जी मैं पता नहीं, वो तो हूँ वैसे इतने नहीं जे है, जे बन वो कार्रवाई जो बनती करा चार साहब ने गए बाहर जी, वो तो कार्रवाई वो बनती करती जाएगी, जो सामने आएगा वो दस देंगे। आवाजी कम टीवी लिए गुरदासपुर तो सतविंदर सिंह की रिपोर्ट।